Hey kids, a very warm good evening. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotronic, I welcome you all to a very different session. Very important session and very different session. It is Match the Following Mentee Marathon. So, main aaj aapko tables dene wali hoon, 25 tables, and I'm going to give you 45 seconds each to solve the tables. These Match the Following could come in your board exams or could even more come in your NEET exams. Aapko NEET exam ka to pata hi hai that they do come in your NEET examinations. So, with that, let's get started, bachcho. Chali, let's get started with Match the Following questions. Very important. So this is going to be the dhamakedar end to this super amazing week. Flower ke various types kya hote hain? What is epi, hypo, peri? Unke examples kya hote hain? Jo har saal exam mein aate hain. So this is a very important lecture which is coming for you on Sunday, 10 a.m. Prashansa, are you new to the channel? All my new mascots, welcome to this super amazing channel. And all the new mascots, what you have to do is make sure that you become a part of the Biotronic, make sure that you're liking, make sure that you're sharing, and make sure that you, each one of you, is subscribing. And guys, Monday morning 6 a.m. last 10 years most difficult NEET numericals, pichle 10 saalon mein sabse zyada mushkil NEET numericals kaun se aaye? That is something that we're going to be doing. Enzymes आधा मैंने आपको आज कराया, बाकी आधा मैं आपको मंडे को करवाऊंगी. उसके बाद एक महा मेंटी क्विज होगा, बायोमॉलिक्यूल्स कंटिन्यू किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी डायग्राम फॉर बोर्ड्स का मेंटी मैराथन. राइट राजिका, हाउ आर यू राजिका, मेरा बच्चा राजिका वानी मैम की मैस्कॉट. हाउ आर यू सान्या, हाउ आर यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के. तो इसी बात पे हो जाए बहुत बड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ऑल ऑफ देम आर देयर ऑन आवर चैनल, आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे. तो आप सब में सेट रिमाइंडर कर लीजिए. अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपने आज सुबह साइनोनिम्स का वीडियो देखा? हाय तनिष्का, गुड टू सी ऑल. क्या आज आपने सुबह सब बच्चों ने साइनोनिम्स का वीडियो देखा? डिड यू सी दैट एवरी सिंगल वन? यस. तो डिड यू गो बैक एंड सी दिस सुपर अमेजिंग वीडियो? गाइस, इस एक मिनट के वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक सिंगल मिनट के वीडियो में. सो डिड यू गो बैक होम एंड सी इट? इफ नॉट, गो सी इट राइट नाउ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और गाइस, अगर आप होम पे जाएंगे आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे. कैन यू सी देम? तो ये मंडे की, यू जस्ट हैव टू सेट रिमाइंडर, सेट रिमाइंडर, सेट रिमाइंडर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आप यू नो द मोमेंट यू प्रेस ऑन द बेल आइकन यू कैन कम टू नो. यस. सो चले फिर आगे बढ़े, क्योंकि आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज जस्ट सो मच दैट वी नीड टू बी डूइंग टुडे. राइट, मेंटी पे चले. क्या कहते हो, बायोफोनियंस वानियंस, चलिए आगे. राइट, थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूं गाइस. मेक श्योर ईच वन ऑफ यू इज लाइकिंग, मेक श्योर ईच वन ऑफ यू इज शेयरिंग, मेक श्योर ईच वन ऑफ यू सब्सक्राइबिंग. यू आर ऑल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ बी बायोटॉनिक. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरी सिंगल वन, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. राइट, सो टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बायोटॉनिक फॉर नीट से टेलीग्राम ग्रुप ऐप ज्वाइन कर लीजिए. राइट, इट्स हीलिंग दीपक, बट यू नो इट विल टेक सम टाइम. It will take more time, I think another 1 week for it to become absolutely normal. Guys, toppers, aapko pata hi hai, but you guys have to become like toppers, you have to become even better than last year's toppers. And CBSE plus NEET ka crash course bhi hai, specially mere 12th wale mascots ke liye, ki wo dono achche se kar paaye, boards plus NEET. Right? You know this, because aapko yaar NEET mein to score chahiye 662, 670, 670, 682, 690. 695 अभी बच्चे हैं जो लेकर आ रहे हैं ये वाला स्कोर. राइट, सो यू रियली नीड टू डू दिस वेल टू बी देयर राइट अमंग्स द टॉप, टू डू सो सुप्रीमली वेल. तो इसके लिए वी हैव अ कोर्स जिसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाए जाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में भी एस करो और नीट एग्जाम्स में भी एस करो. पूरे नीट का सिलेबस कराया जाएगा 120 सेशंस में, और 107 सेशंस में मैं आपको पूरे बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस कराऊंगी. 8th मार्च मंडे को ब्रांड न्यू लॉन्च हो रहा है, बिकॉज पुराना कोर्स जैम पैक हो चुका है. सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू टू नॉट मिस द कोर्स. ब्रांड न्यू बैच स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ यू नो मार्च फॉर डबल अटैक. कोड मत भूलिएगा वीटी नीट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. से यू हैव अ कोड एंड अप्लाइड. टोटल 227 सेशंस है, 120 for NEET and 107 for CBSE. Separate sessions, separate teachers, separate tests. It is the most
डिटेल्ड कोर्स एवर, राइट? 28 रुपीज फॉर अ डे गाइज, डोंट मिस दिस. 340 hours, yes, nearly 6 to 7 months of support, 340 hours. और अगर ये नहीं करना तो टेस्ट सीरीज तो है, 20 टेस्ट मिलेंगे आपको, 20 टेस्ट फॉर 1999, दैट मीन्स 100 रुपीज पर टेस्ट विद लाइव डिस्कशन एंड अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, राइट? पर ये बातें बाद में, पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ. मैच द फॉलोइंग, कभी भी पहले नहीं किया है, इस बार होगा. फुल स्क्रीन कर लेते हैं, मेंटी मैराथन और मैच द फॉलोइंग. कोड इज 4598 1500. आ जाओ. All my new students, please open a window called menti.com. Please open a window called menti.com. ऐसे menti.com करके just open a window. Phone pe ya aapke, you know, I've opened it on the phone so that you can see it. menti.com. कुछ नहीं करना, menti.com. No worries, Kirti. उस पे आप कोड डाल दीजिए 4598 1500 and say submit. And say submit. 4598 1500 say submit. कर दिया? And you'll get an icon here. That's me, Tom. Join quiz. कर दे स्टार्ट. स्टार्टिंग इन 5 4 3. चले फिर बच्चों, परफेक्ट. स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1. एंड गाइस, एवरीवन हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक. यू नो केक, यस. चलिए 45 सेकेंड्स पर मेंटी. हर्बेरियम की ऐसे क्वेश्चंस हमने कभी भी पहले नहीं किए हैं. म्यूजियम कैटलॉग, चलो, वी हैव नेवर डन दीज क्वेश्चंस बिफोर. हर्बेरियम की डेफिनेशन, पूरा थियोरी आपका रिवाइज हो रहा है. यू हैव नॉट डन दीज क्वेश्चंस एनीवेयर. ऐसे क्वेश्चंस आपने कहीं नहीं किए पहले, नेवर एवर, नोवेयर एवर यू हैव डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बताइए, हर्बेरियम क्या है, की क्या है, म्यूजियम क्या है, कैटलॉग क्या है, बताइए मुझे. 45 सेकेंड्स में आपको दे रही हूं सॉल्व करने के लिए. हर्बेरियम, की, म्यूजियम, कैटलॉग, 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. योर टाइम एंड्स नाउ. देयर वाज इनफ टाइम टू रीड एंड स्टिल आप लोगों ने मिस्टेक्स कर दी हैं. Your herbarium is a list that enumerates method, you know, methodically. तो A का 3 है. It is a place where dried and pressed flowers. की क्या है आपका? It is a booklet containing a list of characters and their alternatives. Museum is a place having collection of preserved plants and animals. और कैटलॉग इज अ लिस्ट जो methodically enumerate करता है. -1 कैसे कराया? Don't do this blunder. Mark your attendance. Question number 2. 45 seconds again. Saprophyte, parasite, lichens, mycorrhiza. Easy one. Easy, easy. Please look into your mentee and tell me symbiotic kaun hai, decomposition kaun karta hai, living on living plants kaun hai. माइकोराइजा, माइकोराइजा, एल्गी, फंगाई. ऐसे क्वेश्चंस आपने सच में कभी सॉल्व नहीं किए कि मैं आपको 45 सेकेंड्स में सारे के सारे मैच द फॉलोइंग करवा रही हूं. डोंट मिस दिस.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. सिक्स मोर सेकेंड्स. सबकी स्नैपशॉट लीजिए, पढ़िए, डोंट मेक मिस्टेक. सैप्रोफाइट, वेल डन. अब आपको पता चल गया. तो सैप्रोफाइट है डीकंपोजिशन. पैरासाइट क्या है आपका? पैरासाइट है आपका लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स. आपका लाइकन्स कौन है? लाइकन्स है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा. माइकोलॉजी इज फंगस, राइजा इज रूट. सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट रूट्स. करेक्टो, वेल डन, वेरी वेल डन. चले अगले सवाल पे गाइस. इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. गाइस मैंने 45 सेकंड्स दिए कीर्ति, आई गिवन यू 45 सेकंड्स, उतने में तो ये सॉल्व होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. कोड इज 4598 1500. आइसोगैमी, सिनगैमी, हेटीरो एंड आइसो उगैमी. मैंने कितनी बार बताया, 1 2 3 4 लिखो, 1 के आगे डेफिनेशन लिखो. आइसोगैमी सेम, एन आइसोगैमी डिसिमिलर, हेटेरोगैमी बताइए डेफिनेशन कंफ्यूज हुए बिना. आइसो सिन हेटीरो एन आइसो ऊ बताइए. Lovely. You can do this. I can. अरे वाह, मान गए. So isogamy is nothing but both gametes morphologically indistinguishable. Isosceles is triangle. They are similar to each other. Syngamy together. Right? Union of two gametes. First option होना चाहिए. Right. Well, heterogamy. Heterogamy. Heterogamy क्या होना चाहिए? Different. One larger than the other. बिल्कुल ठीक है. Anisogamy. Two kinds of morphologically distinct gametes. Right? And oogamy. One motile and the other is non-motile like the female gamete. Right? Great to be part of this quiz. बड़ा important quiz है guys. बहुत important quiz है. चलो अगले सवाल पे. Fourth. I know Mitali, please take care. Correctly matched. Crocodile, sea urchin, Obelia, lemur. Animal kingdom. Chalo. And guys, have you all become a part of Be Biotonic? For more such quizzes, you all have to become a part of Be Biotonic. Don't want to miss any of these. Parson, hum diagram wale quizzes kar rahe hain. Neat ke numerical type questions kar rahe hain in the morning. Pata hai na aapko? Neat numerical questions. Kab kar rahe hain neat numerical? Monday 6 AM. Crocodile. रेप्टाइल में कोई एक्सेप्शन है क्या? करेक्टली मैच्ड कौन सा है? क्रोकोडाइल करेक्टली मैच्ड है. सी अर्चिन पैरापोडिया होता है सी अर्चिन में. ओबेलिया मेटाजेनेसिस करेगा. मेड्यूसा टू प्लैन्यूला, प्लैन्यूला टू मेड्यूसा, पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप. वेरी गुड. क्रोकोडाइल फोर चेपर हार्ट, बिल्कुल ठीक है. ओबेलिया करेगा पॉलिप टू मेडिसा, मेडिसा टू पॉलिप, मेटाजेनेसिस उसे ही कहेंगे. एंड लेमूर इज थीकोडोंट इन इम्बेडेड टूथ इम्बेडेड इन द सॉकेट. सी अर्चिन के पास पैरापोडिया नहीं होगा. दिस इज ग्रेट, दिस इज वेल डन सीफर. राइट, वेल डन नंदिका. चलिए मेड्यूसा होता है ओबेलिया. वेल डन. पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, तो डेफिनेशन है. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, लल्लू सवाल. गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए. हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर. यार बड़ा है यूनिसेक्सुअल. स्टेमिनेट हो गया, पिस्टिलेट हो गया. यार मैंने आधा क्वेश्चन लीक कर दिया. बड़ा लल्लू सवाल है. चलो 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 चलो, ये तो बड़ा लल्लू सवाल हो गया. पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर क्या कहलाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस. क्या है? हायर एस्कोमाइसिटीज.
एन प्लस एन रहता है, क्या कहलाता है? चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे बच्चे, इजीली, वेल डन। सो पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, सिनकार्पस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, वेरी सिंपल, डाइकैरियोटिक यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट। मजा आ गया प्रज्ञा जी, गुड क्वेश्चन। चलो सिक्स क्वेश्चन, डोंट वरी सांझ, डोंट वरी। एंड निमिया गुरु ने क्या कहा था, नेगली ने क्या कहा था, हैबर लैंडर ने क्या कहा था, क्लोइज ने क्या कहा था? वाओ गाइस, ये तो बहुत अमेजिंग मैच द फॉलोइंग है, एक लिटरली वेरी अमेजिंग मैच द फॉलोइंग। चलो निमिया ग्रू, हैड्रोम एंड लेप्टोम, नेगेली, हैबलैंडेट, लवली, अरे वाह, वेरी इजी। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन था नेमिया ग्रू, जिन्होंने टिश्यूज डिस्कवर किए, दूसरा ऑप्शन था नेगेली, जाइलम एंड फ्लोएम बताया, हैबरलैंडेट ने हमें बताया, हैड्रोम एंड लेप्टोम, और क्लोइज ने बताया क्वाइसेंट सेंटर के बारे में, राइट? बी ऑप्शन। नो वरीज सांझ, नो वरीज गाइस, आर यू एबल टू सॉल्व, आर यू मार्किंग योर अटेंडेंस? शिफा, दिव्या, प्रिंसी, यश्वी, थैंक्स मिताली, धन्या, स्मृति। चलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत इजी है, प्लीज यहां मत गलती करना। लिपिड और प्रोटीन, लल्लू सवाल, एक्सोसाइटोसिस, लाइसोसोम, इज इट गॉल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा? पैकेज करके सामान को बाहर कौन भेजेगा? 23 सेकेंड्स, आई थिंक अभी तक तो सॉल्व हो गया होगा यार, इसके लिए टाइम जाता है। नाइस, इजी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा आपके लिए प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा लिपिड्स, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स पैकेज करके सेल के बाहर भेजेगा, लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कराएगा, सुसाइड बैग्स हैं, जी2 बॉडीज हैं, क्रिश्चियन जी2 ने डिस्कवर किया था। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। देवांजन, नॉट सो गुड, वेरी नाइस कीर्ति, सो प्राउड ऑफ यू। What do you want to know about Obelia, Vivek? Disintegration of nuclear membrane, appearance of nucleolus, hydrozoa है Obelia, सी बेड पे अटैच होता है, राइट? सी फर कहा जाता है, फाइलम निडेरिया है, इसके अलावा और क्या बताया जाए? मैंने बहुत डिटेल में बताया बच्चे, बहुत सिंपल है, सेंट्रोमेयर कब डिवाइड करता है? एनाफेज, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है बता दो आप मुझे, बहुत ज्यादा सिंपल है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एस फेज, सिंथेसिस, ऑल करेक्ट, कितने बच्चों के ऑल करेक्ट? गाइज द क्वेश्चन आर Fabulous and you've all done super fabulous. Quiz में कैसे एंटर करना है? menti.com पे जाइए, 4598150 कोड लगाइए, दोबारा बताती हूँ, menti.com पे जाइए, 4598150 कोड लगाइए, that's it. चले,
Match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes. Tetrose, pentose, hexose, disaccharide. ये तो रट्टा मार है, प्योर रट्टा मार, और मारना ही पड़ेगा रट्टा. Oh guys, this was a lullu one. This was a very lullu one. Tetrose sugar है आपकी, erythrose, pentose sugar है आपकी, ribose, hexose sugar है आपकी, बड़ा simple है, galactose, disaccharide है, maltose. I think the giveaway was pentose sugar, deoxyribose, ribose, pentose sugar. Yes. But guys, can you see? ऐसे आपके exam में दो question तो पक्का है. जैसे आपके मंडे के क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन तो पक्का है जी, न्यूमेरिकल्स बताओ. तो यहाँ पर तो गड़बड़ होती है. तो अगर हम इनकी अभी से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एग्जाम में कम से कम गलतियां करेंगे. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपकी स्क्रीन में. लवली, हाफ ए मार्क के पास आते जा रहे हैं. चलिए सॉल्व कीजिए. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. वेन की एंडिंग नेसेसरी इविल. आहा, बड़ा सवाल लल्लू हो गया. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सुबह भी एक क्वेश्चन किया इस पे. कोहेशन, स्टोमैटल क्लोजर. स्टोमैटल क्लोजर ने आंसर लीक करा दिया. नेसेसरी इविल ने आंसर लीक करा दिया. चलो हैव यू बीन ट्राइंग टू डू दिस. वेरी गुड वर्षा. वर्षा से थैंक यू मैम, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद 2020. Wow, Varsha, I am proud of you. Okay, Devanjan, I will give you time after this to write down your names. Okay. And guys, have you all become a part of me? Wow, this is very good. Is question ko dekhte the question gayab ho gaya. Vein ki ending aapne bilkul sahi pakda. Guttation. Hydrothodes, root pressure की तरफ से पानी निकलेगा. Necessary evil और ठीक पकड़ा. Transpiration is known as necessary evil. Semi-permeable membrane आपका number C है, जिसका answer आपने बिल्कुल ठीक दिया. Osmosis, cohesion number D था. Transpiration pull, adhesion cohesion theory. And last but not the least, stomatal closure is because of abscessic acid. Guys, have you liked? Have you shared? Have you subscribed? And are you all studying with V Biotonic? तो हाथ बना दो guys, like कर दीजिए, subscribe कर दीजिए, share कर दीजिए, college school में जाकर लोगों को बता दीजिए about the great work Biotonics are doing with each other. चलिए super cool 11th question पे चलिए. Fats made of 3 fatty acid chains attached to glycerol. Glycolysis metabolite जो glycerol से बनता है. Storage form of glucose, ये तो बड़ा easy है. Common respiratory substrate of glycolysis, ये भी बड़ा easy है. चलो मंडे को 6 बजे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं सॉल्व, वो भी लास्ट 10 ईयर नीट के सबसे टफ न्यूमेरिकल्स ढूंढ के लाई हूं मैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड. ठीक है, आपको वो ये था, उसका ऑप्शन था ग्लिसरल डिहाइड. स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वॉज योर सी ऑप्शन, राइट. सी ऑप्शन जिसका आंसर आपने दिया है ग्लाइकोजेन इन एनिमल्स, इन
प्लांट्स इट विल बी स्टार्च कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस. आपने बिल्कुल ठीक दिया ग्लूकोज, प्योर मैम ने बोला हो रहा है ये तो. गुड यार गाइस, नहीं सोचा था. थैंक्स रेनू. चलो वन मोर क्वेश्चन. नो टॉकिंग, नो टाइम पास, नो मैम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो. मैम सबका नाम लेती है, पर यू नो एक बार आपको पढ़ाना है ताकि आपका रैंक आ जाए, बाकी सारी चीजें बाद में. चलो नेचुरल नेचुरल ऑप्शन हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं. चलो नेचुरल ऑक्सिन्स के नाम बताइए. सिंथेटिक ऑक्सिन्स, बैकनेट डिजीज ऑफ राइस. वेरी नाइस. What is the answer? यार आप लोग कितना, मतलब I'm very happy. At least आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि यार मतलब गड़बड़ किया हो. I'm very happy. कोई भी question इस type का एकदम उलझ रूट. Natural auxin indolastic acid. Synthetic auxin naphthalenastic acid. Bacillus disease of rice, gibberellins, excessive litol, gibberellic acid, natural cytokine, zimes se isolate hua tha zeaxanthin. Koi bhi question aisa nahi ki bilkul hi off the track gaya ho. Koi bhi question aisa nahi hua. 13th question, chalo. Listed below are 4 respiratory capacities, 1 to 4, and 4 jumbled up respiratory volumes. Capacities or volumes ko match kar do. Chalo, kariye. Hi Vijaya ma'am, so happy to see you here Vijaya ma'am. You're like really the real mascot of this channel ma'am. And so happy and proud to have you here. One big smile for you. Chali, chali, chali guys, come on. Perform. All of you know about Vijaya ma'am, right? She's like the cutest, dearest mascot. We're also doing her PhD. I hope your PhD is doing really well, Vijaya ma'am. Good to see you here. Chaliye, respiratory volumes and volume of air. Residual volume, vital capacity, inspiratory IRV, ERV. ERV to hai nahi inspiratory capacity. Phir to bada easy hai. Yes. 4 respiratory capacities, 4 jumbled respiratory volumes of normal human being. Identify the correct match. Residual volume no 500, सिर्फ एक है करेक्ट मैच, वो है आपका 3500 वॉल्यूम. यस, और आपका फर्स्ट वाला रेजिडुअल वॉल्यूम जो बचा हुआ है. टीवी वाइटल कैपेसिटी गलत है, आईआरवी गलत है. तो फोर्थ एंड फर्स्ट जो कि आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट? ओ यस प्रीत, आपने तो सही पकड़ा. लिखा 12th बोर्ड है पर कुछ क्वेश्चन तो 11th के भी हैं. यस चलिए 14th लास्ट 10 क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. नेफ्रिडिया, मैल्पिजिन ट्यूब्यूल्स, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, इसमें कौन कौन होता है? Very nice. तो इसमें हमें अभी क्या करना है? अभी हमें देखना है कि ऑप्शंस क्या-क्या थे. तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा था बच्चों? ये रेजिडुअल वॉल्यूम, नेफ्रिडिया. तो नेफ्रिडिया किसमें होता है बेटा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एनेलिडा.
उसके बाद था मैगफीटी ट्यूब्यूल्स, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स, एंटेरल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, एंटेरल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हरिणी, आर यू अंडरस्टैंडिंग लास्ट 9 क्वेश्चंस? दिस इज फॉर नीट ऑल्सो गाइज. What makes you think ये नीट के लिए नहीं है? वो बच्चे बेवकूफ हैं. Structural and functional unit of myofibril. चलिए Yes, very good, very good, very good. Should I discuss this? चले अभी डिस्कस करें इसको, तो इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल, सार्कोमेयर, इससे लल्लू सवाल आ नहीं सकता कभी भी. प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, एक्टिन, एक्टिंग, मैंने आपको बोला है थिक फिलामेंट, मायोसिन, सेंट्रल पार्ट, एच जोन, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी. कितने बच्चों ने मेरे देखा हुआ है गाइज, ये नीट के लिए भी है, बोर्ड्स ऑफ 11th 12th के लिए भी है, सो एवरीबॉडी नीडेड टू कम फॉर दिस लेक्चर. 12th का भी रिवीजन, 12th बोर्ड का भी. अंजलि मैं तो सोच रही हूँ आपको 12th बोर्ड का रिवीजन कराऊं, पर महीना चल रहा है मार्च का, बोर्ड एग्जाम शुरू है 4 मई को. आपको नहीं लगता है थोड़ा जल्दी है? बहुत चैनल्स पे हो रहा है और बच्चे देख भी रहे हैं, पर मुझे लग रहा है फिर उनकी नीट में रैंक नहीं आ पाएगी ऐसे, ऐसा मुझे लगता है. आप लिख दीजिए, 12th बोर्ड का तो मैं रिवीजन स्प्रिंट पे करवा दूं, पर आपको नहीं लगता 4 मई को एग्जाम शुरू है, वो भी 24 मई को जाकर, 2 महीने भी पढ़े हैं अभी, राइट? और बहुत जगह लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए, पर मुझे लगता है यार उनका तो फिर बेचारों का बेवकूफ बन रहा है. यस, उनका तो बहुत बुरे तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम बचा है बोर्ड्स के लिए बेटा, एक एक एग्जाम में भी हफ्ते हफ्ते का गैप है. थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तो इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर लेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. तो इसका आंसर क्या है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, थायराइड किसको रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल, थायराइड एंड पैराथायराइड. एड्रिनल किसको रेगुलेट करता है? एड्रिनल आपके एड्रिनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड किसको करता है? पिट्यूटरी मेंटेन्स अ डायगोनल रिदम ऑफ आवर बॉडी. एंड पीनियल ग्लैंड, राइट, पिट्यूटरी क्या करता है आपका? एंड पीनियल ग्लैंड मेंटेन्स अ डायगोनल रिदम. पिट्यूटरी एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स, लवली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विद द मिडिल पिट्यूटरी. Right? What are melanocytes? These are cells, Nandika. Melanocytes which control the melanin of your body. Right? Is that clear? Melanocyte stimulating hormone is not really active in humans. It is supposed to be vestigial. And guys, मेरा ये तो आपसे मतलब निवेदन है यार. Please अपना बेवकूफ बनवाना बंद करो. Right? बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. आप पढ़ चुके हो थ्योरी, एक बार दो बार पढ़ चुके हो, अभी प्लीज अपना बेवकूफ बनाना बंद कीजिए. प्लीज नीट पे फोकस कीजिए. अप्रैल मिड से हम बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे. मार्च तो एटलीस्ट आपको नीट करना चाहिए. अपना बेवकूफ बनाना बंद करो. चलिए 17th क्वेश्चन. Sponge, yeast, potato, water hyacinth.
जिनके स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं अगर वो फोकस करें इट इज फाइन, और जिनके एग्जाम ही मई में और 8 जून को एंड हो रहे हैं अगर अभी से बोर्ड पढ़ेंगे तो नीट कब करेंगे? 28 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में नीट हो जाएगा, कब करेंगे आप लोग? स्पॉन्ज, ईस्ट, पोटैटो, वाटर हाइसिंथ, बताइए। लवली स्पॉन्ज आपका क्या है बेटा? गेम्यूल फॉर्मेशन करता है फॉर रिप्रोडक्शन। ए वाज स्पॉन्ज, 3 वाज गेम्यूल फॉर्मेशन, बी था आपका ईस्ट, बी वाज ईस्ट, फोर्थ था बडिंग करता है ईस्ट, राइट, थर्ड आपका था पोटैटो, सी वाज पोटैटो, 1 वाज ट्यूबर एंड लास्ट वाज वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया, पिस्टिया, ऑफसेट्स। सो सेकंड ऑप्शन वाज offsets, right? Well done. There we go to the next question. 18th, lovely. Chalo. Funicle, hilum, integuments, chalaza, nucellus, allingon, what's up? हर एक ऑप्शन से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है? आपने आज एक एक क्वेश्चन में 5-5 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, हाँ या ना? एक एक क्वेश्चन में 5-5 एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा मत सोचो एक एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, 5-5 एमसीक्यूज पर क्वेश्चन, यस और नो? मैम बात तो सही कर रहा हूं, यस, प्योर मैम ने बोला, दिवांजन। चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या था? ए ऑप्शन वॉज फ्यूनिकल, इट इज द स्टॉक, बी ऑप्शन वॉज हाइलम विच इज रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, सी ऑप्शन वॉज इंटेग्यूमेंट्स, protective layers, chalaza was option number D, basal part of the ovule, last but not the least, nucellus, which was number one, mass of the parenchymata cell, right? Well done. Chali. 19th. Jaldi mein galat kar diya. Don't do that. Acroso, endometrium, polar body, clitoris. You can't make mistake. Itna simple question hai. Adarsh, you tell me what is your problem and we will help you out. Acrosome and state boards ke bachcho, koi bhi problem hai, let us know. Acrosome is present on the spermatozoon. Endometrium is in the uterus. Polar body was your option number C, which is formed after oogenesis. And clitoris is a rudimentary erectile tissue, which is present in females. Right, Aijiza? Chal, you guys. 21st question or 20th? 20th question. But as to 20 into 5, abhi tak solve kar chuke ho aap. Alpha 1 antitrypsin, chaliye. Transposons, jumping genes, Barbara McClintock. Enzyme linked immunosorbent assay, kiska detection ke liye useful hota, retroviral vector. Guys, have you gotten the test series?
वेल डन, वेरी वेल डन. तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एम्फाइसीमा लंग स्टेबिलिटी में हेल्प करता है. अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, राइट? आपको पता है एम्फाइसीमा में द लंग इलास्टिक टिश्यू इज डिस्ट्रॉयड, राइट? Transposons are jumping genes, so mobile genetic element hoga. Enzyme linked immunosorbent assay is a diagnosis feature of AIDS, or retroviral vector helps in gene therapy. Severe combined immunodeficiency ko treat karne mein help karta hai. 21st question, jaldi aane wala hai leaderboard. Chalo, rivet popper hypothesis. Ki agar aeroplane kuch hai, agar ek bhi uska you know kamzor kadi nikal gayi, the entire thing will come out. Chali. बताइए मुझे. लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, स्पीशीज एरिया और रिलेशनशिप. गाइस प्लीज मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन द टेस्ट सीरीज. मैं आपको इतना मतलब इससे ज्यादा आई कांट टेल यू द यूज ऑफ टेस्ट सीरीज. आपको लगेगा यार मैम तो मतलब वेदांतों की तरफ से बोल रही है. नहीं मैम, अपने बच्चों के लिए बोल रही है, वेदांतों की तरफ से नहीं बोल रही है. आप एक बार ज्वाइन करो टेस्ट दो, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नहीं करोगे सीट नहीं आएगी. यस, नहीं सीट आएगी बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में. मतलब एकदम लंका लगा दो, पढ़ लो. और आपको बड़ी ईमानदारी से क्रैश कोर्स कराते हैं यार. जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, डाउट एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं, राइट? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आपका फर्स्ट है, पॉल एहरलिक ने दिया था. लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटसाइड प्लॉट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बी राइट, इट वॉज गिवन बाय डेविड टिलमैन. एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन बोल्ट, राइट? चलो नेक्स्ट वन. 22nd question hai ki 21st, 22nd aa gaya. Wow. Go to the part, use the code VDNEET and solve the question. मर्क्यूरी नाइट्रेट आर्सेनिक कैडमियम. चलिए वेरी गुड. कल हमने मिनी मार्टर डेज बताया था ना कल आपको. यस और नो, यस और नो. मुझे बस इतना मैम ने बताया था या नहीं बताया था. मर्क्यूरी नाइट्रेट आर्सेनिक कैडमियम क्वेश्चंस, यस अभी बताती हूँ बेटा. सबसे पहला ऑप्शन ए जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ था मर्करी. मर्करी इज मिनीमाटा बे डिसऑर्डर. जापान में मिथाइल मर्करी रिलीज हो गया मिनीमाटा बे में. आपको ए फोर पता चल जाना चाहिए था. ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए. हमने कल किया या आज सुबह किया. नाइट्रेट आपका बी ऑप्शन था. ब्लैक फुट डिजीज नाइट्रेट नहीं कॉज करता. नो, जिन बच्चों ने किया बी टू नहीं, यहाँ पे दोनों में बी वन है, ठीक है. तो आपका नाइट्रेट कॉज करता है मिथिमोग्लोबुलोमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम. ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है. आर्सेनिक इज सी ऑप्शन जो कॉज करता है ब्लैक फुट डिजीज. एंड कैडमियम वाज ऑप्शन नंबर थ्री जो इथाई डिजीज कॉज. आज मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग, यस वेरी नाइस. इथाई डिजीज, वेल डन वेल डन. थैलेटोमाइट करता है आपका फिकोमिलिया. ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं. चलो 23rd क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे.
जीपीपी एनपीपी पॉन्ड एक्वेरियम डिकम्पोज। अच्छा जीपीपी एनपीपी का क्वेश्चन हमने कब किया है, जीपीपी और एनपीपी का क्वेश्चन हमने कब किया है गाइस? रियली वर्षा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू वर्षा। बी फॉर श्योर, यस इट इज बी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन टोटल, यस परफेक्ट। फिर है आपका बी, बी ऑप्शन आपका फिफ्थ है। बी ऑप्शन था आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो मतलब उसमें से जो रेस्पिरेशन हटा दोगे जो अगली जनरेशन पे जाएगा, विच इज अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, इसलिए उन्होंने फोर कर दिया है। सी में आपने पॉन्ड लिखा हुआ था, सेल्फ सस्टेनेबल होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। एक्वेरियम आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो वो डी ऑप्शन था, इट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। और डीकम्पोजिशन आपका ई ऑप्शन था, उसको इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, विच इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि बैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकते हैं। That brings us to the last question. No spamming, please. No spamming, Yashaswini, and no spamming everyone else. Before I move forward, please, आप मेरी एक बात मानिए. ये आज आपने बहुत अच्छा किया. We are going on to the last question, which will be the end of it. बहुत अच्छा perform किया है, but मुझे ऐसे detail plan बना कर दो, please. राइट आप बता के दो कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सही जा रहे, कौन से क्वेश्चंस वीक जा रहे। गिव इट टू मी, वो तभी करोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आपको डीपीपीज देना शुरू करती हूँ, आई विल स्टार्ट गिविंग यू डीपीपीज फॉर योर वीक टॉपिक्स इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ताकि उन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांग बना पाए। बेटा सीट लानी है, सीट फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना नहीं आएगी, सो स्टार्ट सॉल्विंग। आई प्रॉमिस टू गिव यू डीपीपीज, इट्स my पर्सनल हेल्प टू यू। मैं आपको डीपीपीज प्रोवाइड करने वाली हूँ। नोट्स बनाइए, जिन टॉपिक्स के नोट्स नहीं है मुझे बताइए, मैं अपने नोट्स का आपको पीडीएफ भेजूंगी। डू दैट ऑन टेलीग्राम, बट गाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप स्केड्यूल की जो बात कर रहे हो, टाइम टेबल, प्लीज वॉट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेकिंग अ टाइम टेबल लाइक दिस? इस दिन इस टाइम पे मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ऐसे टेस्ट देने, ऐसे डिटेल टाइम टेबल बनाइए। राइट जो टॉपिक, जो चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं, सेंड देम टू मी, टेस्ट दीजिए, पता लगाइए अपने वीक टॉपिक्स। आई विल गिव यू नोट्स, आई विल गिव यू डीपीपीज, बट डू दैट गाइस, जितने टेस्ट दोगे, टेस्ट को एनालाइज करोगे, उतना पता चलेगा वीक एरियाज कौन से हैं। देयर इज समथिंग वेरी गुड विच वेदांतु हैज। देखिए आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद टेस्ट दो, बिना पढ़े अनपढ़ों की तरह टेस्ट देने का क्या फायदा? आपको पता है यहाँ टेस्ट सीरीज है, और ₹100 में टेस्ट एनालाइज हो रहा है, लाइव डिस्कस हो रहा है, एनालिसिस का पीडीएफ मिल रहा है, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिल रही है। गाइस इससे ज्यादा और आदमी क्या करे यार, ₹100 में टेस्ट को आपको सॉल्व किया जाएगा। टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस मिलेगा, उसका लाइव सॉल्विंग होगा, टेस्ट के साथ अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होंगे। ऑल ऑफ दिस 1999 विद द कोड वीडी नीड, सो क्लिक कीजिए बाय नाउ पे, लॉग इन कीजिए 1999, ₹100 पर टेस्ट। एंड जिस इस टेस्ट को देकर आपको पता चल रहा है कौन सा टॉपिक वीक है, गेट बैक इन टच विद मी, आई प्रॉमिस टू गिव यू डिटेल्ड राइट डीपीपीज। इधर आ जाइए बेटा एक बार, ये आपका क्रैश कोर्स है सीबीएसई प्लस नीट, इसमें आपको 340 आवर्स मिल रहे हैं राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीबीएसई का क्रैश कोर्स, प्लीज क्लिक बाय नाउ इस पे और क्लिक कीजिए वीडी नीट, अप्लाई कीजिए और पढ़ते रहिए, जितना मन करे उतना पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है? चले थैंक्स नयनतारा। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट गाइस क्रैश कोर्स लीजिए, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी कम टाइम बचा रह गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ सके। चलिए मैच कीजिए, बताइए 24th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। किया नहीं है, ये कैसे आ गया सेम क्वेश्चन, ये तो हद ही मच गई। क्या कहते हो, अभी भी गलत करेंगे देखना कई बच्चे। मर्करी नाइट्रेट आर्सेनिक कैडमियम, सेम क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया राइट। डेजा वो डेजा वो डेजा वो, इतनी भी मेमोरी नहीं होने लगी। यू वो थैंक यू श्रीलता आक्षी खुश प्रीत प्रिया विभा मेरा रिया वेल डन यू वो वेल डन आक्षी वेल डन श्रीलता एंड वेल डन एवरीबडी एल्स दिस वाज अ फिनोमिनल सेशन बट गाइस हैव यू मार्क्ड योर अटेंडेंस हैव यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
Thanks for coming for the session. I will see you right tomorrow at 10 a.m. for a super amazing session. Obviously, Monday, New Miracles of Neat. See you guys. Bye-bye. Take care. And tomorrow, we're coming live on Instagram. So stay tuned. I will unmute many, many, many of you. Kal jitne bache rahe, hamesha unko main unmute karungi and we'll have a great session tomorrow. Bye, guys. Bye.